यमुना जरा इधर आना, ये देखिए कितनी खूबसूरत खवातीन है। हाँ हाँ, ये तो हमारे फ्रेम्स में और ये सब यमुना के को स्टार्स हैं, यमुना के साथ काम करने वाली खवातीन है। और ये हमारे पाकिस्तान के वो खूबसूरत एक्टर्स हैं जिनके साथ और सीनियर एक्टर नुमान एजाज इनके साथ मुझे रोल बहुत पसंद है। मेरी फरमाइश पे इनकी यहाँ मुझे लाइक मैं ये कहूँगी कि सब लोग, सब एक्टर्स, सब बहुत काबिल इज्जत हैं, बट इनके साथ मैंने अपनी जिंदगी करियर में, 7 साल के करियर में 2 दफा काम किया है और मैं कहती हूँ कि व्हाट अ ग्रेट एक्टर, करीब से कोई नहीं गुजरता। एंड व्हाट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। यस ट्रूली, मैं भी आई एंडोर्स इसे कि मैंने भी उनके साथ काम किया। और जब आप साथ रहते हैं ना, तब आपको अंदाजा होता है कि दूसरा बंदा जो है वो किस तरह की शख्सियत का, सोच का हामिल है। लेकिन ये बस इतने में बात टलेगी नहीं, और वी विल टॉक अबाउट इट। और एक और बात मैं मेंशन करना चाहूंगी कि मैंने, मेरा पहला साल था जब मैंने इनके साथ काम किया, और फिर उसके बाद मैं लास्ट ईयर 6 साल हो गए थे, तो इन्होंने मुझे बताया था कि यमुना देखो बड़े जबरदस्त साहब हैं, नोमी भाई इज वेरी ग्रेट ह्यूमन। उन्होंने कहा था यमुना किसी का एक्सप्रेशन तुम्हारा नहीं हो सकता, किसी का चेहरा तुम्हारा नहीं हो सकता, और तुम्हारा एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरा किसी का नहीं हो सकता। तो इसलिए ये चीज़ जो आप इनसिक्योर होते हो, जो आप सही बड़ी, अभी हम इससे बात करते हैं, बड़ी क्लियर बात है आपको। लेकिन मैंने ये जो बात करनी है ना, वो मैंने आपसे जरा ट्विस्टेड बात करनी है, अब मैं अभी नहीं बताऊंगी। उसके लिए पहले हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल ओपिनियन जो है यमुना की, उसके बारे में जानेंगे। आज हम मिल रहे हैं यमुना जैदी से, और ये सब यमुना के को स्टार्स। यमुना, एक लफ्ज कहना है इनके बारे में, और कोई एक अपनी जिसे कहना मशवरा अपनी तरफ से देना है। जी सबसे पहले जाहिद अहमद। अच्छा, जाहिद जो है ना वो मेरा बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा दोस्त है। ठीक है, और जाहिद, एक लफ्ज जाहिद पे क्या फिट आता है? जाहिद के लिए देखो अच्छा, वेरी फनी, फॉर मी इज वेरी फनी, इज वेरी फनी। और अगर मशवरा है तो जाहिद जो बजाते खुद जितना मैंने कि वो इज़ अ वेरी गुड पर्सन, बट शायद उसकी जो कदकाठ है, जो उसकी आवाज़ है, तो उस लगता है कि लोगों को कि उसको एटीट्यूड है उसमें, या कुछ वो थोड़ा प्राउड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कहूँगी कि शायद जाहिद थोड़ा सा उस पे वो करे, अदरवाइज ही इज अ वंडरफुल पर्सन, अदरवाइज भी नहीं। और कितने तो लोगों को लगता है क्योंकि लोग बड़ा जल्दी इमेज बनाते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्म बहुत जल्दी हो गए हैं। अहमद, अच्छा अहमद के साथ मेरी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि मैं खुद जब ड्रामा देख रही होती हूँ तो मैं बड़ा एंजॉय कर रही थी, तो मैं सोचती हूँ कि फैंस कितना एंजॉय करते होंगे। तो अहमद तो बड़ा ही अच्छा है। और अच्छा, एक वर्ड बोलना है अहमद के लिए, हम्बल, वेरी हम्बल। और मशवरा जो है वो ये है कि अहमद मेरे साथ जो है वो हम लोग को और काम साथ करना चाहिए, ये हम शायद दोनों के लिए मशवरा है। आई लाइक वर्किंग विद दिस। समी खान, समी आप सब कहेंगे कि सबकी तारीफ कर रही हूँ, एक्चुअली जेन्युइनली सब लोग बड़े अच्छे हैं। समी के साथ मैंने अपना फर्स्ट सेकंड सीरियल किया था, और समी के लिए मशवरा ये तो कुछ भी नहीं मैं कहूँगी। हाँ, डिफरेंट वैरायटी कैरेक्टर्स और ज़्यादा करे, इससे नेगेटिव भी बड़े अच्छे अच्छे किए हैं। और समी वेरी गुड ह्यूमन बींग, वेरी नाइस। इरफान, अफान वहीद, अच्छा ये जो है बंदा, इसकी मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, कह लें ही वॉज वन जो मुझे इस इंडस्ट्री में, मेरी बहन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, अफान ने करवाया। दिस इज द गाय, रियली ये मैं, बहुत ही आला बंदा है ये, बहुत ही भाई, किसी को इंट्रोड्यूस कराना भी बड़ी बात है भाई। इसने मुझे इंट्रोड्यूस, पहला सीरियल एटीवी पे था चला मेरा, जब मैं क्लास 8 में थी, मुझे पिक एंड ड्रॉप देता था। एटीवी से आप भी आए हैं? एग्जैक्टली, वाह वेरी गुड, एटीवी वाज द फर्स्ट। और जो अगर वो मेरे साथ शायद एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने चलाया भी था, उसमें जो मेरा वो हुलिया है, और अभी अगर मुझे लोग देखें तो, लेकिन वो क्लास 8 थी, क्लास 8 9 थी।
अच्छा अफान के लिए मशवरा, यार अफान के लिए कोई सीरियसली मशवरा नहीं है. अफान वैरायटी कैरेक्टर्स चाहता है कि गुड फ्रेंड, इज अ मेंटोर, क्या आप मतलब जिस बंदे ने, इज अ वेरी गुड फ्रेंड, इज अ वेरी गुड फ्रेंड, या इज वेरी गुड. अच्छा नेक्स्ट. अच्छा इमरान, ये तो आप सब लोग आजकल जो है ना, आप लोग जाहिर सी बात है आप सब लोगों का फेवरेट है. और अभी रिसेंटली मैंने इमरान के साथ काम किया है, मैं कहती हूँ हमारे सेट की रौनक, पूरे सेट को इतनी एनर्जी है इस बंदे में. मैं कहती तुम इतने कैरेक्टर्स कैरी करते हो अपने साथ, कभी कुछ बन जाता है कभी कुछ. सूरत लाफ्टर है. उफ अल्लाह. अच्छा नहीं, मैं इसकी बात पे हंसी नहीं आती मुझे. हाँ. कभी जो बात जो ये हंसता है ना उसके ऊपर मुझे हंसी आ जाती है. वेरी अनयूजुअल लाफ्टर. हाँ हाँ. और ये खुश रहता है बंदा. और एहसन खान. अच्छा एहसन ब्यूटीफुल मैन एंड अ वंडरफुल पर्सन. ओके. और जो मैंने सारे में से एहसन को ही सिर्फ ब्यूटीफुल कहा है. वैसे खूबसूरत तो सब भी हैं, अल्लाह ओ माय गॉड. लेकिन यार ये है तो सही ना. ठीक है जी, के कंची आंखें, पता चल गया मुझे कि हां बिल्ली आंखें और वो ब्राउन से बाल. ऐसे लोग तो यार अमेरिका में बहुत सारे, इसका मतलब हमें समझे कि यमुना को वहां पे कोई पसंद आ जाएगा. नहीं नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं. मैं एज अ जो कहते हैं कि एक ग्लोबल या यूनिवर्सल फैक्ट जो होते हैं उसके हवाले से. और इंसान बड़े अच्छे हैं. जब मैंने इनके साथ काम किया था तो आई वॉज हिज, आई एम एंड आई वॉज हिज फैन एट दैट टाइम. तो मैं बड़ा रिजर्व रहती थी और मेरा बड़ा अच्छा इनके साथ. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट हमारे. अच्छा अली खान. इनके साथ जब मैंने काम किया तो तब ये रिसेंटली इंडिया से आए थे और काम कर रहे थे वहाँ पे. तो बड़ा वो था भाई सबके, जी अली खान ये वो. अच्छा मेरा ये होता है कि मैं जो बहुत जो जो रिस्पेक्ट के काबिल होता है उसको मैं उसकी बिल्कुल जायज़ रिस्पेक्ट देती हूँ. और फिर मैं ज़रा थोड़ी सी मासूम भी बन जाती हूँ ताकि जनो मेरे साथ तो ज़रा थोड़ा अच्छा ही रहेगा बंदा. तो ही वॉज वेरी काइंड टू मी. I must say he's very professional and he was very kind to me and he's a wonderful person and now he's a friend as well. Yes, and he has got amazing voice and eyes and whole expression. And next is legendary. He is my mentor. I'm his fan. मैं नहीं कहती कि मैं किसी की fan हूँ. I'm his fan. और ये जो साहब acting करते हैं तो इनके पास से कोई नहीं होगा. Wonderful. Okay. यार अब बहुत तेजी, मेरी ऑडियंस के पास भी कुछ सवाल आते हैं भाई, जल्दी से कर लो क्योंकि वक्त हमारा जो है वो खत्म हो रहा है बड़ी तेजी के साथ. सो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है जी? मैम हम तो आप सबके फैंस हैं, आप किनसे इंस्पायर हो के आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को? आप किसकी फैन है जी? ये सवाल बहुत अच्छा किया है तुमने. अच्छा अभी तो मैंने बताया. अच्छा देखो फैन होना जो है ना, मैं फैन को कहती हूँ बहुत बड़ा मुकाम है. तो मैं नुमान इजाज का नाम लूंगी इस इंडस्ट्री में, दैट आई एम हिज फैन. एंड फीमेल? फीमेल में ना जो सही बात है, मुझे बहुत सारी लड़कियां पसंद हैं लेकिन मैं फैन जो हूँ वो मैं कह सकती हूँ, मैं सानिया सईद कह सकते हैं, सबा कमर की एक्टिंग की फैन, वो इंसान भी बहुत अच्छी हैं. तो यू नो ये कुछ. अच्छा बिल्कुल सही. कोई और क्वेश्चन अगर करना है जी, क्या पूछना चाह रही? मैम हम रो कैसे लेती? बैठ के हाँ. आप रो कैसे लेती हैं ड्रामास में? हाय अल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल किया है. तुम्हारी क्या उम्र है? तुम छोटी सी हो. 12 इयर्स. 12 इयर्स की हो? अच्छा बड़ा अच्छा सवाल किया है. अच्छा रो कैसे लेती हूँ? अच्छा जब मैं किसी कैरेक्टर को कैरी करती हूँ ना तो मैं 45 डेज के लिए वो कैरेक्टर मैं वो बन जाती हूँ. तो मैं उसकी हर दर्द तकलीफ हर चीज महसूस करती हूँ जेन्युइनली. 45 डेज के बाद फिर क्या होता है? फिर बस थोड़ी देर बाद निकल जाता है. फिर मैं कहती हूँ हाय किधर गया, कहाँ गया, यही तो था. और वो कहीं वो टीवी में ही रह जाता है. ठीक है. तो ऐसा है. ठीक है. तो वो जब आप इसमें कोई ग्लिसरीन, उसके कहने का मतलब मैं विक्स वगैरह इनिशियली कभी कभार यूज करती हूँ. बट ये कि मैं जो हूँ वो चाहती हूँ कि वो हंसे तो वो खुद हंसे. हाजरा अगर हंस रही है, अगर वो रो रही है, या सिला अगर डर रही है तो वो, और वो मेरे लिए कोई पेनफुल नहीं होता है. मैं एंजॉय करती हूँ, मेरे लिए बड़ा सेटिस्फैक्टरी होता है. ठीक है. अच्छा जी हमारी पहली सज्जल. यार सज्जल मैं कहूंगी यार, इसके लिए तालियां. शी इज अ फिनोमिनल एक्ट्रेस वी हैव इन आवर इंडस्ट्री. और मैं कह सकती हूँ मैं इसकी फैन हूँ. बहुत बहुत अच्छा काम करती है. ठीक है. और वैसे भी बड़ी क्यूट सी है. वन वर्ड फॉर सज्जल, शी इज
ब्यूटीफुल सना जावेद. अच्छा सना के साथ मैंने काम किया था बट वो छोटा सा काम था. सना बहुत अच्छी है और सही है. वैरायटी कैरेक्टर्स वैरायटी वैसे किया है ऐसे ही वर्सेटाइल सारा. अच्छा सारा की जो है ना वो मुझे हंसी इतनी अच्छी लगती है. शी इज अ वंडरफुल पर्सन ब्यूटीफुल स्माइल. बट मैंने इनके साथ काम नहीं किया तो मैं ओके. ये इनको आप पहचान सक रही हैं? ये उष्णा है. उष्णा उष्णा तुम खुद अपने आप को पहचान रही हो इस तस्वीर में. आप लोगों ने कैसी तस्वीर रखी है उष्णा की. अच्छा उष्णा जो है वो या शी इज अ गुड एक्ट्रेस. शी इज अ गुड एक्ट्रेस. आई हैवंट वर्क्ड विद हर तो एज एन एक्टर शी इज अ गुड एक्टर. हां जी. अच्छा माया तो मैं कहूंगी हमारी फिल्म की हीरोइन है. फिल्मों की हीरोइन है. शी स्टार्टेड ऑफ विद एक्टिंग एंड नाउ शी डिड अ वेरी वंडरफुल फिल्म थीफा इन ट्रबल. तो वो उसके लिए मुबारक. सोचा है फिल्म करने के लिए और बड़ा आइटम सॉन्ग किस्म की चीज करने. मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं फिल्म करूँ लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं वो फिल्म करूँ कि जो मैंने इज्जत अपने ड्रामा से कमाई है तो मैं उससे मजीद इज्जत. यानी आइटम सॉन्ग नहीं करूँगी. नहीं इज्जत आइटम सॉन्ग से रिलेटेड नहीं है. वो आइटम सॉन्ग अव्वल तो वो सिर्फ शोहरत है. फरा हाँ, वो सिर्फ शोहरत है. लेकिन इज्जत मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो मैंने एक्टिंग में अपना जितना इज्जत कमाई है मुकाम बनाया उससे ज्यादा मैं करूँ. उससे ये ना हो. मैं बड़ा सपोर्ट करती हूँ हमारे पाकिस्तानी सिनेमा को लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसी फिल्म बने तो मैं जरूर करूंगी. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बट ये तो मुझे लग रहा है आपकी कोई हम शक्ल कोई आप ही की. ये हानिया बड़ी क्यूट सी है. प्यारा सा जो है ना वो हमारी इंडस्ट्री का बच्चा है. क्यूटू सा तो बहुत अच्छी है. बहुत क्यूट है. क्यूट इसके लिए मुझे भी वर्ड मिल. अच्छा हरीम इज मैंने इनके साथ काम किया है और मेरा जो कैरेक्टर था वो बड़ा नेगेटिव सा था. तो हरीम बहुत शी इज वेरी क्लासी. शी इज वन वर्ड फॉर हर वेरी क्लासी. इकरा ये दिस गर्ल इट्स इकरा इज अ वेरी गुड एडिशन हमारी इंडस्ट्री में. वेरी वर्सटाइल और मुझे मैं इसके साथ मेरी से एक दो मीटिंग हुई है और एज अ पर्सन एक्ट्रेस तो अच्छी है ही. इंसान मुझे इतनी प्यारी लगी ये लड़की. इतनी प्यारी लगी कि इकरा के लिए भी भाई.